हेलो फ्रेंड, मैं उषा शर्मा आज आप लोगों को एयर प्यूरिफाइंग प्लांट यानी वायु को शुद्ध करने वाले पौधों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, वैसे तो लगभग सभी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, परंतु इनका परसेंटेज अलग अलग है। कुछ प्लांट ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जैसे तुलसी, कुछ प्लांट कम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कुछ प्लांट हार्मफुल गैसों को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो दोस्तों, ये तीन प्लांट ऐसे हैं जो हमारे घर आंगन की अशुद्ध वायु को अवशोषित कर लेते हैं। ये प्लांट हैं स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एरिका पाम। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारे घर आंगन की वायु दूषित कैसे हो गई? हम तो अपने घरों को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, रोज डस्टिंग करते हैं हम अपने घरों की, फिर वायु अशुद्ध कैसे हो गई? तो दोस्तों, कुछ घरों में एक तो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, दूसरे आधुनिक उपकरणों का उपयोग जैसे फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, टीवी, ये सब उपकरण जो है वो हार्मफुल गैसों को रिलीज करते हैं, जिससे हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये प्लांट जरूर लगाना है। ये प्लांट अशुद्ध वायु को अवशोषित कर लेते हैं। ये इंडोर प्लांट हैं, इनको हम अपने घरों में शेड में रख सकते हैं, इनको ज़्यादा धूप की जरूरत नहीं होती है और इनकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। ये स्नैक प्लांट है, ये देखिए बहुत सारे इस गमले में निकल आए हैं, इनको आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हैं अपन, दूसरे गमले में लगा सकते हैं। मनी प्लांट भी बड़े आसानी से लग जाता है। और ये एरिका पाम है, मैंने तो एक प्लांट लिया था उससे तीन गमले तैयार कर लिए हैं। तो केवल एक प्लांट लगाने से हमारी वायु शुद्ध नहीं होगी, इसके लिए हमको प्रत्येक प्लांट के कम से कम तीन से चार गमले तैयार करना चाहिए, अपने घरों में रखना चाहिए। ये प्लांट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। एरिका पाम को हम अपने ड्राइंग रूम के एक कॉर्नर में रख दें तो ड्राइंग रूम की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, पर इनको बीच बीच में हमें धूप में जरूर रखना है। एक हफ्ते में कम से कम एक बार इनको बाहर की थोड़ी धूप दिखा देना चाहिए। मनी प्लांट हम अपने कोर्टयार्ड में रख सकते हैं, क्योंकि इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, बिना सहारे के ये चढ़ नहीं पाता, परंतु यदि हम इसको ऐसे छोटे पॉट में लगा लें तो इसको हम ड्राइंग रूम के किसी कोने में किसी स्टूल पर रख के अपने घर को सजा सकते हैं। दूसरे स्नैक प्लांट को भी हम अपने घर में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, कोर्टयार्ड में रख सकते हैं, स्नैक प्लांट इसको हम अपने दरवाजे पर रख सकते हैं, विंडो के पास रख सकते हैं, है ना। पर दोस्तों, हमको अपने बेडरूम में प्लांट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इनमें कई बार मच्छर आके छुप जाते हैं, कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि ये हार्मफुल गैसों को एब्जॉर्ब कर लेते तो हम अपने बेडरूम में रख लें इनको, तो हमको बेडरूम में प्लांट नहीं रखना चाहिए। इनको बस हमें अपने दरवाजे पर, आंगन में, ऐसी छायादार जगह में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्लांट आप अपने घरों में अवश्य लगाएं, छायादार जगह में रखना चाहिए। अपने घर की वायु को शुद्ध करें और स्वस्थ रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें। बाय बाय।